खरगोन जेल में कैदी की मौत के बाद जमकर सियासत चली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक को खरगोन से हटा दिया, जिसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कुबेर जोशी ने बताया कि साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार ऑफिसर ने पद पर रहकर कई खुलासे करके अपराधों पर अंकुश लगाया और अगर ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण नहीं रोका गया तो आगामी समय में भूख हड़ताल करके उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आक्रोश भी व्यक्त किया है। पिछले दिनों खरगोन जिले के बिस्टान में एक लूट के आरोपी की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर वहां पे थाने में भी तोड़फोड़ हुई और उसके बाद के घटनाक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने खरगोन शहर के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह जी का स्थानांतरण कर दिया, जो कि यह खरगोन शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शैलेंद्र सिंह जी पुलिस अधीक्षक एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति है। उनके कार्यभार संभालने के बाद से ही खरगोन में सांप्रदायिक स्थिति नियंत्रित हुई है पूरे जिले की, और जितनी भी अवैध गतिविधियां जो जुआ सट्टा और अवैध परिवहन शराब और इन सब का चलता था, उनके आने के बाद पूरी तरह से अंकुश लग गया है। ऐसे साफ सुथरी छवि के दबंग नेतृत्व की खरगोन शहर को जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को इस विषय में पुनर्विचार करना चाहिए और उसका स्थानांतरण को शीघ्र से शीघ्र रोकना चाहिए। यदि उनका स्थानांतरण यदि नहीं रोका गया तो हम पूरे शहर में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में शहर बंद का भी आह्वान करेंगे। क्या नाम? मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? मैं राजू शर्मा। साथियों, बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश में प्रजातंत्र में ईमानदार की कोई मूल्य नहीं है। अगर ईमानदारी का मूल्य होता तो हमारा एक ईमानदार प्रतिनिधित्व व्यक्ति जो पूरी साफ सभी सुथरी सभी टाइप एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान जी द्वारा जिले में इस तरीके से उससे बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि ईमानदार आदमी को पुरस्कृत करने के बजाय ये सरकार ने उनको दंडित किया है और सारा समाज उनको आज एक नेक व्यक्ति के रूप में इसलिए देखता था कि उनके खरगोन में आने के बाद खरगोन की बहुत सी क्राइम को उन्होंने नियंत्रण किया, साथ में अवैध कारोबारों को बंद किया, सट्टे शराब जैसों पर अंकुश लगाया, समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने। और इससे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने हमारे सर्वधर्म मानने वाले सारे समाजों को एक ऐसा प्रेम और एक ऐसे नेल से बांधा कि वो सारे एक मंच पे आए और हमारे शहर का वातावरण एकदम से शुद्ध हुआ। और ऐसे ईमानदार अफसर को एक ऐसी घटना में मोहरा बनाया गया जिसका उनसे उनके उसमें कोई किसी प्रकार का रोल नहीं था, ना उनकी कोई उसमें भूमिका रही है। लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार ने पता नहीं किसकी चुगली पे किस तरीके से निर्णय लिया कि एक कठिनप्राण ईमानदार अफसर को या रातों रात पुरस्कृत करने के बजाय उनको सजा दी गई है। उसके वजह में खरगोन का संपूर्ण सकल समाज सारे समाजों के द्वारा आज इस बात की एक निंदा की गई है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम आज प्रेषित किया गया। क्या चेतावनी दी है? मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई है कि ऐसे ईमानदार अफसरों को अगर इस तरीके से दंडित करता रहा तो हम समाज चुप नहीं बैठेंगे और भविष्य में एक बड़ा आंदोलन की भी रूपरेखा हम बनाएंगे और अगर मौका लगा तो हम इसके लिए हड़ताल भी करेंगे, वो हड़ताल पे भी बैठेंगे, लेकिन हमें हमारा ईमानदार अफसर एक एसपी के रूप में वापस खरगोन में चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या नाम आपका? कुबेर जोशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।